युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने काटा हंगाम। वेलुपुर पंचायत के बिनाका मोहल्ले में सुरक्षा गार्ड जितेंद्र मौर्य की रविवार को संगीत हालत में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजनों ने बहू व मायके वालों को प्रताड़ना करने का आरोप व हत्या का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझाकर मामले को शांत करवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस की माने तो मृतक की मां ने पत्नी और मायके वालों को अपहरण व मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। लोग का दोषी उन्हीं लोग मारे, 2.5 साल से लड़का भागे थे यहाँ पे कि हम बजटिया में गए थे, बजटिया से भी लोग वहाँ पे बताए कि ऐसा है कि आप लोग यहाँ पे सब लोग आए हैं और बोले छानबीन करवाए, सिग्नेचर ले, फिर भी इन लोग नहीं माने, समझा बुझा करके भागे। फिर हम पाल पोस के अपने बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, ले गए थे वहाँ से भाग करके आए हैं अपनी मम्मी के यहाँ। फिर ये 2 दिन में क्या कैसे गुजरे हमको नहीं पता, इन लोग फोन भी नहीं बताए। वही की पत्नी के द्वारा ससुराल पक्ष पर ही हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। उसका कहना है कि वो 1.5 साल से उनसे अलग रहता था और 2 दिन पहले वो गया हुआ था। ऐसे में उसकी मौत कैसे हुई उसे खुद नहीं पता। जहां तक उसे जानकारी है उसके ससुराल वालों ने ही उसे मारा है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर वाराणसी पुलिस जांच में जुटी हुई। रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी के पास ट्रक की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी पुलिस चौकी मुड़ाडे गांव में सैयद बाबा के पास मिट्टी लदी ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार आदित्य साहनी उम्र 8 वर्ष था, अंकित साहनी उम्र 10 वर्ष नामक 2 मासूम की मौके पर ही मौत हो गई और धीरज साहनी नामक 15 वर्षीय किशोर घायल हो गया, जिसका बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने उक्त घायल किशोर को इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में भी भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर भेज दिया।